अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त हो रही है सुबह के 8 और छोटे वाले बेटे को स्कूल भेजते हैं। उसका आज पेपर था, बड़े वाले बेटे का नहीं था, उसका कल है। अब ये देखें कि 8 दिसंबर से इनके पेपर स्टार्ट हुए हैं और आज 22 दिसंबर हो चुकी है। और आप ये देखिए, मुझे अभी तक फील नहीं हुआ था कि सर्दी आई है कि नहीं आई। मतलब इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी थी और मैं वैसे भी इतनी ज़्यादा बच्चों की स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मुझे फील ही नहीं होता कि मेरे आसपास हो क्या रहा है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा बट ट्रस्ट मी ऐसा ही। और मतलब कि आज मैं बेटे को जब बाहर गाड़ी पे छोड़ने गई तो इतनी ज़्यादा फॉग पड़ रही थी आज, और अच्छी खासी आज सर्दी है। और ये है कि बस अब यहाँ पे प्रॉपर जो एक बहुत सर्दी वाला जो एक पीरियड आता है ना, जो शॉर्ट पीरियड होते हैं बेशक, लेकिन जो पीरियड आता है ना वो लगता है आ गया है। और इसी सैटरडे को होगा बच्चों का लास्ट पेपर, और जैसे ही बच्चों का लास्ट पेपर होगा हमने फ़ौरन ट्रैवल। बाकी बस नेक्स्ट वॉक बड़ा एक्साइटिंग होगा इंशाल्लाह। तो आपको रीज़न भी पता चल जाएगी कि मैं ट्रैवल क्यों कर रही हूँ और कहाँ कर रही हूँ, ये मैंने अभी सरप्राइज़ रखा हुआ। बैग जो ये था ये मैंने लिया था RTW क्रिएशन से। इसका फैब्रिक जो है ना थोड़ा सा वेलवेटी टाइप इसका टेक्सचर है। ये मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ और काफ़ी स्पेशियस है ये अंदर से, और दो इसकी ऐसे पॉकेट्स बनी हुई हैं अंदर, और बस ये एक ही कंपार्टमेंट है। अच्छा, अब मैं इसमें डाल दूँगी अपना ये मेकअप का बैग, ठीक है, और उसके बाद ये लोशन और ये मास्क हो गए, ये बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, और साथ में ये मॉइस्चराइज़र, और इसमें जाएगा, और ये सैनिटाइज़र भी है, और इसमें जाएगा टिश्यू पेपर, और जाएंगे साथ में इसके, और इसके बावजूद भी अच्छी खासी जगह अभी मैं इसमें डालूंगी टिश्यू पेपर, अपना सन ब्लॉक और चार्जिंग केबल्स वगैरह भी इसी में रखूंगी। और बस जैसे जैसे पैकिंग करूंगी मैं साथ साथ आप लोगों को। फाइनली मेरा मोस्ट अवेटेड पार्सल आ गया ब्लू एक्स से, और ये मैंने मंगवाया था हैबिट से, हैबिट पे लगी हुई थी सेल। और मैं कब से ना टेबल्स को देख रही थी और लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने नहीं ली कुछ सी रीज़न की वजह से। चले जी, आप लोगों के सामने ही इनको मैं अनबॉक्स कर देती हूँ। और यहाँ पर देखें, मैं बहुत कोशिश कर रही थी ये चेक करने की कि मुझे पता चले कि वाकई कैमरा सही एंगल में पड़ा है कि नहीं। तो एक भी वीडियो या कोई भी वीडियो बनाने के लिए ना बहुत एक मेहनत होती है। खैर, चलते हैं दोबारा अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मंगवाए थे दो कॉफ़ी टेबल, हैबिट के ऊपर सेल लगी हुई थी। मैं काफ़ी टाइम से इन टेबल्स को मतलब देखती थी, स्क्रॉल जब करती थी मोबाइल को, तो मेरा बड़ा दिल चाहता था और मुझे वाकई में ज़रूर भी थी। तो बहुत ही हिम्मत करके और बहुत ही टाइम के बाद फाइनली मैंने इनके लिए पैसे जमा कर लिए थे और मैंने ले लिए थे, क्योंकि आजकल की महंगाई के दौर में अगर आप 2-3 हज़ार भी अलग करती हो ना तो वो भी कहीं ना कहीं लग जाते हैं। मतलब 2-3 हज़ार ऐसे ख़त्म होते हैं जैसे 200-300 रुपये हों। खैर, ये मिल गई थी मुझे 4000 की, और मतलब कि अब इसका सिर्फ ये है कि ये दिखने में ही प्यारी लग रही हैं, सिर्फ दिखने में। इनकी एक ही बात अच्छी थी कि एक तो ये आपको कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं वीडियो के अंदर, और कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था, बट जो फिनिशिंग थी। What is this behavior habit? तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। बस फिर मैंने यही डिसाइड किया, मैंने उनसे दोबारा कांटेक्ट किया कि मुझे इसका कोई हल बताएं कि किस तरह आपकी रिफ़ंड या एक्सचेंज पॉलिसी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ चिकन, एंड इसमें मैंने पोटैटो वेजेस कितना काटे हैं, और यहाँ पे बन रही है शाम की चाय। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए हो ना तो मुझे आपने बता। सेम इसी मैरिनेशन से मैंने लास्ट टाइम ड्रमस्टिक्स बनाए थे, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं, कल इसका पेपर है, परसों उसका पेपर है, बारी बारी पेपर्स होते रहते हैं इनके। और नहीं नहीं डेटशीट की ज़रूरत नहीं है, बस आजकल यही लाइफ चल रही है। चलो हॉरिड हेनरी पढ़ो। हैरी हॉनरी है या हॉरिड हेनरीज है? हॉरिड हेनरीज बर्थडे पार्टी। तुम्हें याद है हॉरिड वाले कार्टून्स कौन देखता था, तुम देखते थे या अली? तमीज तो हॉरिड हेनरी है ना। चलो अभी मैं आती हूँ, फिर आपको वो करवाती हूँ क्रॉस वर्ड। सबको क्रॉस कर दिया था उसने अपनी बर्थडे पार्टी पे, और फिर एंड में वॉरन मिला, नो नो गेस्ट्स, नो नो गेस्ट्स, नो नथिंग किंग सॉन्ग याद कर रहा हूं। और इसम कौन सा है? इसम नहीं है, इसम मार्फा की किस्में भी तो होंगी ना।
अकसाम सॉरी। ये हाल है मेरी मसरूफियत का कि इतनी मैं बिजी हूँ कि सामने खाना बनाती हूँ तो भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैंने बाल बनाने हैं, ऑयल लगाने हैं तो भी बच्चों की किताबें साथ में पड़ी हुई हैं। अब क्या करूँगी मैं, बालों में ऑयल लगाऊंगी, बच्चे को मैंने थोड़ा सा रेस्ट दिया हुआ है तो साथ साथ मैं उसका फिफ्थ चैप्टर भी, अब मैंने यूनिट 5 पढ़ाना है उसको, तो साथ साथ मैं जो उसका यूनिट 5 होगा उसको भी बैठ के देखूंगी कि उसको मैंने कैसे करवाना है। नोटबुक है उसको अभी तक हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उसके अंदर सॉल्व किए हुए हैं। और ये एक्टिविटी बुक है और ये लर्नर्स बुक है, दोनों के अंदर ही एक्सरसाइजेज हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए। आप जितनी बच्चे को एक्सरसाइज करवा सकते हैं ना, मैं कोशिश करती रहती हूँ। और टाइम देखें जी, 8 बजने वाले हैं और मेरी हालत ये है। मेरी शब रोज़ की कहानी, मेरा सारा दिसंबर इसी में गुजर गया है, तो ये भी लाइफ का एक पार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसने भी चले जाना है, फिर हमें ये चीज़ें याद आएंगी बहुत ज़्यादा, तो मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, जो एंड मोमेंट पे होती है शॉपिंग, उसके लिए मैं जो करके आऊँगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चले जी चलते हैं। चलें। इतनी शदीद सर्दी में जाना बहुत ज़रूरी था वरना मैं कभी भी ना जाती। और आप जैसा कि देख सकते हैं, अच्छा कैमरे में वो फॉग नज़र नहीं आ रही जो एक्चुअल में है, कैमरे की लेंस उसको थोड़ा सा क्लियर कर रही है तो विजिबिलिटी कम थी। और दूसरा ये है कि बहुत मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि पहले मैं भी बाइक पर ऐसे ही जाया करती थी और बहुत सर्दी लगा करती थी, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की गाड़ी का हो आ जाना। और लेकिन ये कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। और थैंक यू सो मच फॉर माय लास्ट वीडियो, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हुए हैं उससे, तो ऐसे ही मुझे सब्सक्राइब करते जाइएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करते जाइएगा। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।